जल्दी आओ लाली। तुम भी खेलो ना फाउना, हम चारों होंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मैं इंसान के बच्चों के साथ नहीं खेलता। ओ, पर मोगली हमारा भाई है। लेकिन मेरा भाई तो नहीं है ना। मोगली को सब पसंद करते हैं सिवाय तुम्हारे और शेर खान के। बचाओ 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 बचाओ। हिलना मत तबा की मैं तुम्हें निकालता हूँ। हिलना बंद करोगे तो जल्दी निकल पाओगे, ठीक है? हो गया। शुक्रिया मेरे दोस्त मोगली, तुम बहुत अच्छे हो। कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और तुम बेकार गीदर, तुम दोस्त हो? शेर खान का दोस्त तो है या शायद बनना चाहता है, पर एक बात पक्की है, ये शेर खान का जासूस है। वैसे वो इतना भी बुरा नहीं है, वो तो बस एक गीदड़ है जो गीदड़ वाली हरकतें करता है। और तुम एक बेवकूफ हो जो बेवकूफी वाली हरकतें करता है। तबाकी मेरे दोस्त, कैसे हो शेर खान? मेरे पास कमाल की तरकीब है उस बहुत अच्छे इंसान के बच्चे का काम तमाम करने की, और तुम उस प्लान में मेरी मदद करोगे। आखिरकार मुझे मिल ही गया। ये लो इसे चखो मीरा। पहले इसे ट्रिकी को देते हैं ताकि पता चले कि इससे होता क्या है। सुनो, तुम्हें मीठा और मजेदार शहद चाहिए? सुनो छचिंदरो, यहाँ देखो, कुछ लोग इसे देखकर जलन के मारे कोयला हो जाएंगे। इस ताज के सामने तो मोर की खूबसूरती भी फीकी पड़ जाएगी। मैं सबसे खूबसूरत बन गई हूँ। बिल्कुल माशा, पावो और फूला तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, एकदम बेकार है, बिल्कुल उन मोरों की तरह। वाह माशा, ये पहनकर तुम कमाल की लग रही हो। सब झूठ है, तुम मेंढक कितनी बदसूरत हो। एक फूलों से सजा मेंढक, फुलवारी का मेंढक, जिंगला जिंगला जिंग जिंग जिंग। ए, क्या खा रहे हो तुम? ये तो गड़बड़ शहद है ना, ये तो हम अपने दुश्मनों को देते हैं उन्हें पागल बनाने के लिए। बस करो माशा, हमने उसे थोड़ा सा ही दिया था। हम बस देखना चाहते थे कि इससे होता क्या है, ये मजेदार है। संभल कर, ये काट भी सकता है। माशा, फूल तो तुमने अच्छा लगाया है। क्या चाहिए तुम्हें? थोड़े मोर के पंख लगा लोगी तो और भी खूबसूरत लगोगी। उफ, मैंने उनके पंख तोड़ने की कोशिश की थी। उस मीना के लिए तो वो अपनी दुम के पंख फैला देते हैं, पर किसी और को तो हाथ भी नहीं लगाने देते। लेकिन मुझे पता है उन रंगीलों से काम कैसे निकालना है। मैंने मौका देकर उनके दो तीन पर चुरा लिए थे। ओ, तो क्या तुम मुझे वो दोगे? तुम मुझे वो गड़बड़ शहद दो जो सबको पागल कर देता है, और उसके बदले मैं तुम्हें पर दूंगा। क्या कहती हो? खूबसूरत पर तुम्हारे बालों के लिए। क्यों नहीं, लेकिन अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लो मोगली, ये तुम्हारे लिए। लाली सही थी, तुम हम में से एक ही हो। चलो कहा सुना सब भूल जाओ, अब से दोस्त। ये एकदम असली है, चक्कर देखो ना। दिखने में भी बहुत बढ़िया है। तो शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तुमसे बाद में नदी किनारे मिलूंगा बाला और लाली के साथ। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, शहद के मजे लो। ढिंका चिका ढिंका चिका, मैं हूँ मोगली, ए ए ए, जंगल का मैं हूँ राजा। ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका, ए ए ए, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या? चलो मोटे चाचा कुछ धमाल करते हैं। तुम तो नरम और गोल हो, बिल्कुल एक कद्दू की तरह गोल गोल, कद्दू की तरह गोल गोल। मोगली तुम ठीक तो हो? ये क्या कर रहे हो? मोगली का मनपसंद बागड़ बिल्ला कौन है जिसकी मूंछ भी है? क्या ये बिल्ला बाल वाले कद्दू की तरफ है? क्या बाल वाला कद्दू? तबीयत तो ठीक है, तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं मेरे मोटे कद्दू चाचा, मैं बस थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहा हूँ। ये बागड़ बिल्ला कई बार तुम्हें शेर खान से बचा चुका है, और ये तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। शेर खान,
आने दो उस काले पीले जोकर को, मैं उसका यही इंतजार करूंगा। मैं उसका सीख कबाब बना के खा जाऊंगा, क्योंकि आज से मैं हूँ जंगल का राजा। फाउना, मुझे चाहे जितना भी शहद क्यों ना पिला दे, पर मैं कभी कभी भी उसका दोस्त नहीं बनने वाला। तुम पागल हो गए हो मोगली, तुम्हारी नौटंकी बिल्कुल बेकार है। चलो बघीरा, तुम्हारी तबीयत ठीक होने के बाद हम तुमसे मिलेंगे। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। ये कुछ ठीक नहीं लगता बलू, और ये फौना और शहद वाली बात समझ में नहीं आ रही। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये हुई ना बात, अब तुम असली भेड़िये की तरह बर्ताव कर रहे हो। मैं असली भेड़िये से भी बढ़कर हूँ, मैं भेड़ियों का राजा हूँ और इस पूरे जंगल का भी। मैं तुम्हारी तरह अजीब नहीं दिखता हूँ, तुम तो बस एक बड़े आकार वाले जानवर लगते हो। उसने बल्लू को मोटा कद्दू कहा। हाँ, और हम सबको बड़े आकार वाला कुत्ता कहा। मैं मोगली को जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कहेगा, उसे जरूर कुछ हो गया है। हाँ, हमने भी उसे देखा और लग रहा था जैसे वो पगला गया है। उसने मुझे कहा कि मैं उसका भाई नहीं हूँ, और ये भी कहा कि मैं हमेशा उसके साथ दुम की तरह चिपका रहता हूँ। और कहा कि वो इस जंगल का राजा है। उसे ठीक करने के लिए हमें कुछ तो करना ही होगा। मुझे लगता है उसे इंसानों के बीच वापस भेज देना चाहिए। लेकिन मुझे माफ करना रक्षा, फौना सही है, हमें उसे ठीक करना होगा। अगर यही सही है तो शायद उसे वापस भेजने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, चलो उल्लू कहीं के बुलाओ, से जोर से आवाज लगाना। मोगली, जोर से बचाओ। मोगली बचाओ। मोगली। यूहू, बोलो मोगली। जिंगलाला, मेरे प्यारे भालू कच्चे, तुम सो रहे हो? थोड़ा सा डांस हो जाए बिल्ला मामा। जिंगलाला, जिंगलाला, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो छोटू? इन सबको हो क्या गया है, बताओगी? मुझे छोड़ दो बलू, हम मस्ती कर रहे थे। हमने इसे थोड़ा गड़बड़ शहद दिया था, जिसे ये अजीब हरकतें करने लगा, कुछ ज्यादा ही अजीब। क्या गड़बड़ शहद? वो तो दिमाग को गड़बड़ कर देता है। फाउना, तुम्हें कुछ याद आया बघीरा? वो शहद मोगली के साथ भी यही हुआ है। हाँ। जरूर फाउना ने उसे शहद खिला दिया होगा। मेरे साथ आओ बघीरा। चिका, बोल रहे गीदड़, अभी क्या तुम ही रो रहे थे? मैं इस फंदे में फंस गया हूँ, मुझे निकालो यहाँ से, नहीं तो मुझे जरूर कोई खा जाएगा और जंगल में मेरी हड्डी भी नहीं बचेगी। मेरे पैर, मेरी पूंछ, मेरी आँख नाक, कुछ नहीं बचेगा। बचाओ मुझे। मैं दोस्त मैं किसी गीदड़ का दोस्त नहीं बन सकता। मैं इस जंगल का राजा हूँ। वो शेर, अब उसका राज खत्म हुआ। बोल ले इंसान के बच्चे, ये तेरे आखिरी शब्द हैं। एक बार नीचे आ जा, फिर तेरा खेल खत्म। तुम फिक्र मत करो, मैं इसे उस हाथी पर आजमा चुका हूँ जिसने गड़बड़ शहद खाया था। वो खुद को मधुमक्खी समझ रहा था, और फिर उसने शहद बनाने के चक्कर में सारे फूलों का कचूमर निकाल दिया। ठीक कचिका, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ठीक कचिका, ठीक कचिका, ठीक कचिका। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, उसे डबाकी को बचाना था। अब तुम नहीं बचोगे शेर खान। नहीं। एक बार तू मेरे हाथ आ गया ना, फिर देखना मैं तुझे चबा जाऊंगा, मैं तेरा फुर्ता बना दूंगा, तेरे पीछे दबंग टबाकी। शहद का असर खत्म होने के बाद मुझे नहीं लगता टबाकी जंगल में रह पाएगा। ये सब क्या हो रहा है? बल्लू ने मुझे बताया कि ये तुम्हारा काम था, तुमने शहद दिया। बकवास, उसे शहद माशा ने दिया था। ये झूठ है, वो तुम नहीं किया था फाउना। तुमने मुझे कहा कि ये बहुत मीठा और लाजवाब है, और अब हम दोस्त हैं। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। उम्मीद है तुम मुझसे नाराज नहीं हो। तो ये तुमने किया फाउना, और झूठ भी बोला। पर ये तो भाषा थी। झूठे कहीं के, तुम इसका इल्जाम मुझ पर लगाना चाहती हो, लेकिन तुम ये करके बच नहीं पाओगे।
ये लो, तुम इसी के लायक हो। बस करो माशा, ये क्या कर रही हो? मोर के पंख कहाँ है? मुझे माशा, छोड़ो मुझे, छोड़ो माशा। मुझे लगता है उसके लिए इससे अच्छी सजा नहीं हो सकती है। बघीरा, सब ठीक हो जाएगा। मोगली, जरा मेरी मदद करना, हम अभी वापस आते हैं। उसकी हालत खराब है। हाँ, जहरीला कांटा उसके पंजे में बहुत गहराई में घुस गया है। क्या वो जहर बहुत खतरनाक है? पहले वो धीरे धीरे बघीरा को सुन कर देगा और फिर अगर हमने कुछ नहीं किया तो शायद बघीरा। तो तुम उसे निकाल क्यों नहीं देते? लेकिन ऐसा करने से जहर और भी ज्यादा तेजी से फैलेगा। पहले हमें एक गांठ बनानी होगी, उसके बाद हमें जरूरत होगी कुछ फ्रेंच पैनी फूलों की। उसका मरहम लगाने से जहर फैलेगा नहीं और मैं कांटे को निकाल सकूंगा। हमें फ्रेंच पैनी के फूल कहाँ मिलेंगे? वहीं जहाँ हरजीत रहता है। उम्मीद है वो खड़ूस इस बार हमें अंदर आने देगा, पर तुम्हें पता नहीं कि वो कितना गुस्सैल है। भागो यहाँ से, ये मेरा इलाका है। हे, जरा देखो तुम किससे पंगा ले रहे हो पहलवान। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आज मेरा मूड अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वाक बैम, मैं तुम्हारे दो टुकड़े कर देता इस तरह। अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? मुझे चिंता करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, ये कुछ भी नहीं है। तुम देखना, जल्दी ही तुम दौड़ने लगोगे किसी एक एक पैंथर की तरह। बघीरा को इस हालत में अकेला छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा मोगली। चिंता मत करो, वो किसी से भी भिड़ सकता है, भले ही वो बीमार हो। किसने लिया मेरा नाम? आह का, कितना अच्छा हुआ कि तुम टपक पड़ी। मेरे दोस्त, मैं एक सांप हूँ, मैं रेंगती हूँ। तो फिर रेंगते हुए ही बघीरा के पास जाने के बारे में क्या ख्याल है? क्या हुआ है बघीरा को? जब तक हम दवा लेकर नहीं आते, क्या तुम उसके पास बैठ सकती हो? वो बीमार है। नहीं, पर उसके पंजे में एक जहरीला कांटा चुभ गया है। किस तरह का जहरीला कांटा, क्या वो मुझे दे सकता? देखो का, तुम बहादुर हो, है ना, और तुम होशियार भी हो। हाँ, ये मेरी सबसे खास बातें हैं। बघीरा को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, जाओ ना का, प्लीज। माफ करना, मुझे कई सारे काम हैं। बुरा हुआ, पर मेरे पास बघीरा के साथ रुकने वाले के लिए एक सरप्राइज है, पर लगता है वो अब किसी और को देना होगा। एक सरप्राइज? ये मत सोचना मैं यही नाम के लिए कर रही हूँ। तुम भी मेरे फल चुराने चाहते हो? मेरे इलाके से भाग जाओ। पर हरजीत, ये मैं हूँ, मोगली, तुम्हारा दोस्त। मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ। सुनो, हम बस बघीरा के इलाज के लिए फ्रेंची पानी के फूल लेने आए हैं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मेरे इलाके में पैर नहीं रख सकता। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी मदद कर रही हूँ, मेरे बाद ये दोहराओ। इससे तुम ठीक हो जाओगे। क्या ऐसा बोलने से मेरा ये कांटा निकल जाएगा? इसे कहते हैं योगा का, ये है मेरी हीलिंग टेक्निक्स, ट्राई करो। जोर से और फीलिंग के साथ। मैं पेड़ों पर चलते हुए फूलों तक पहुंच जाऊंगा और हरजीत को पता भी नहीं चलेगा। ये मेरी बेल है, ये वाली भी मेरी बेल है। अच्छा, क्या मुझे एक उधार मिल सकती है? ये एक इमरजेंसी है, मुझे बचाना है। ठीक है, तुमसे बात करके अच्छा लगा, पर मुझे तुम्हारी इजाजत के बगैर ही आगे बढ़ना होगा। ये कसरत बेहतर है, इसे कहते हैं सूर्य नमस्कार। क्या तुम्हें यकीन है ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा? तुम साथ नहीं दे रहे हो। क्योंकि इससे दर्द हो रहा है। अगर दर्द हो रहा है, इससे
इसका मतलब ये काम कर रहा है। चिम्प्स और उस बैजर के होते हुए ये मामला काफी मुश्किल होने वाला है। ये उसकी पूंछ है, मैं उसे पकड़ लेता हूँ और उसे रोक कर रखूंगा, तब तक तुम जाकर फूल तोड़ लेना। पकड़ लिया, जाओ 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 बलू। पर वो उसकी पूंछ जैसी लग रही थी। हे, हरजीत की पूंछ। अगर हम दोनों को लगा कि ये हरजीत की पूंछ है तो शायद हरजीत को भी लगेगा कि ये उसकी जैसे किसी की पूंछ है, तो शायद वो उसका पीछा करे। उसे तो ये भी लग सकता है कि ये पूंछ किसी मिस हनी बैजर की है। और अगर ऐसा हुआ तो वो दुनिया के आखिरी कोने तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। आवाज सुनो शरीर की। मैं तो सुन रहा हूँ पर मेरा शरीर मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा है। हे, तुम्हें पूरा ध्यान लगाना होगा इसमें। नहीं नहीं चलेगा, ऐसे करो। मिस, हेलो, मेरा नाम है हरजीत। तो तुम्हें नाचना पसंद है? मिस, बैजरीना, तुम्हारी मस्तानी पूंछ देखकर तो मेरा शहद पीने का मन कर रहा है। बैजरीना। बैजरीना। बैजरीना, कहाँ हो तुम? देखो बघीरा, हम जरूरत का सारा सामान ले आए। आखिर वो है कहाँ? हम उसके मन की शांति के लिए कसरत कर रहे हैं। बघीरा, बघीरा, बस दो कॉइल्स के बाद वो बच जाता, तुमने सब बर्बाद कर दिया। कहाँ चली गई तुम? सामने आओ ना। बगी, ये मैं हूँ। बगी, बगी, मैं जानता था एक छोटा सा कांटा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ब्ला ब्ला ब्ला, तुम सब मेरी कीमत ही नहीं समझते। मैं बहुत खुश हूँ, हमने उसे बचा लिया, हमने उसे बचा लिया। एहसान फरामोश कहीं के, सिर्फ योगा का की वजह से तुम जिंदा हो। अगर मैं नहीं होती तो थुक थुक थुक। तुम्हारी जबान पेट में गिर गई है क्या का? बेकार, बेशर्म, बेदर्द, बेईमान, एहसान फरामोश जानवर। ये क्या किया तुमने? तुम्हें मेरे दोस्त को नहीं खाना चाहिए था। मुझे परेशान मत करो बेवकूफ हनी बैजो। तुम जरूर वो सरप्राइज होगे जिसका बल्लू ने वादा किया था। नहीं हरजीत, इस बेदर्द अजगर ने मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दोस्त को खा लिया। नहीं हरजीत, का ने किसी को भी नहीं खाया, वो बस एक फर्न था और कुछ नहीं। इसे बचाने के लिए झूठ मत बोलो। तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। से बताओ कैसी रही का?
माफ करना हरजीत, वो बस एक फोन था। देखो तुमसे बचकर फूल लाने का यही एक तरीका था। हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैं जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढता हूँ। बैजरीना, मिस हनी बैजर, तुम कहाँ हो? सामने आओ। कि अजगर के चंगुल से कैसे निकलते हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है छोटा? छोटा? हाँ बलू, उसने तुम्हें सुना नहीं क्योंकि वो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, है ना छोटा? हाँ। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मुझे एक बेल की जरूरत है। तुम्हें ये सुनना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बलू बता रहा है कि हमला होने पर क्या करना चाहिए। नहीं 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 छोटा, नहीं, मैं टाइगर हूँ। गर, गर, गर। बड़े टाइगर्स का ठीक है, पर नन्हे छछुंदरों के बारे में मुझे पता नहीं। छोटा एक डरावना बड़ा टाइगर है। मोगली तुम्हारी मदद चाहिए। सोचो कि एक अजगर ने मुझे ऐसे ही घेर लिया है। यहाँ जरूरी बात यह है कि तुम्हें अपना एक हाथ आजाद करके सांप को गुदगुदी करनी है उसके सातवें और आठवें स्केल्स के बीच। लो भालू फंस गया। अब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओ हाँ, मैं अपने चश्मे के बिना भी देख सकता हूँ। शुक्रिया मोगली, ये नकली अजगर मुझसे कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था। मेरा चश्मा। ये ट्राई करो, शायद इससे मदद मिले। हे, ये छोटा कहाँ चला गया? तुम छोटा से डर गए। छोटा 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 कहाँ हो? छोटा पंछी छोटा से डर गया। छोटा 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 एक टाइगर, कहाँ दार्जी? तो क्या ये उसी बड़े टाइगर के निशान है? हाँ वो जरूर छोटा ही होगा। वेल, फिर भी उसकी तहार बहुत तेज थी और मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। शायद छोटा सबको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो छोटा होने के बावजूद सबको डरा सकता है। वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है मोगली। हमें उसे जल्दी से ढूंढना होगा। बघीरा और मैं इस तरफ जाते हैं। इस तरफ चलते हैं दार्जी। छोटा 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 कहाँ हो तुम? मेरा पेट। का ये मत कहना कि तुमने छोटा को खा लिया है। काश ऐसा होता, पर ये एक पत्थर है जिसे कछुआ समझकर मैंने निकल लिया। और अब देखो, पता है क्या, किसी पर ऐसे इल्जाम लगाना और किसी के पेट पर पैर रखना अच्छी बात नहीं। मैं जाकर बलू को लेकर आती हूँ। मोगली हिलना मत। उसका कोई चांस नहीं है, चिंता मत करो, मैं यही मिलूंगा। रुक जाओ, गुदगुदी हो रही है। गुदगुदी। अच्छा हुआ, शुक्रिया मोगली। शुक्रिया डार्जी, तुम्हारी वजह से ही मुझे बल्लू का सबक याद आया। हम छोटा को ढूंढ रहे हैं, अगर तुम भूल गए हो तो। मैं जानता हूँ, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। उस गुदगुले शैतान ने मेरा शिकार बर्बाद कर दिया, उसे सबक मैं सिखाऊंगा। हरजीत, छोटा को अकेला छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें मुझसे निपटना होगा।
मोगली, इससे काम नहीं बनने वाला, उसे भी पेड़ पर चढ़ना आता है। चिंता मत करो, मैं उसके लिए यहाँ ऊपर नहीं आया हूँ। बल्लू का एक और शानदार सबक, हनी बैजर्स इस फल की खुशबू नहीं झेल पाते जब ये पका हुआ होता है। हरजीत उस दिशा से आया था। छोटा छोटा, छोटा ने बड़े बिगीज को डरा दिया। प्लीज मिस्टर टाइगर, मुझे छोड़ दो। नहीं, छोटा छोटे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ओ प्यारी बिल्ली। ये सच है कि तुम बहुत डरावने हो। हाँ, बताओ क्या तुम मेरी मदद करोगे एक बदमाश को डराने में जो मुझे परेशान करता है? ओ, पर शायद उसे तुमसे डर नहीं लगता। हाँ, उसे छोटा से डर लगेगा। कौन है वो? उसने हमारे कुछ पंख चुराए थे। हाँ, पर साथ ही उसने हमें हरजीत के हमले से भी तो बचाया था वीरा। मुझे उसे शुक्रिया कहना था, पर वो टबाकी के साथ चला गया। छोटा टबाकी के साथ गया है? वो किस तरफ गए हैं? उस तरफ। चलो दार्जी, जल्दी। कहाँ है वो बदमाश? यहाँ। तुम इस पिल्ले को मेरे पास क्यों लाए हो टबाकी? रुकिए जरा, इसकी दहाड़ तो सुनिए मालिक। इसे लगता है कि ये जंगल में सबसे डरावना है। मुझे लगा शायद आप इसे बताना चाहें कि ये जगह पहले ही ली जा चुकी है, और ऊपर से आपको दोपहर का लंच भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें हिम्मत है, दिल को छू लेने वाली। इसे देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। तो फिर चलो नन्हे बिल्ले, मुझे दिखाओ तुम हमला कैसे करते हो। बिल्कुल बुरा नहीं है, तुम जैसे एक पाप के लिए। मैं सोच रहा था कि बचा हुआ खाना मुझे मिलेगा। सब्र करो टबाकी, मुझे अपने खाने से खेलना पसंद है। इतनी यादें बहुत है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली टाइगर कैसे हमला करता है। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि बलू ने तुम जैसे बदमाश से निपटने का क्या तरीका बताया है। सच में मैं जानना चाहता हूँ उस मोटे भालू ने तुम्हें क्या सिखाया है। ये मेरी मूछे। भालू ने ऐसा करने को कहा था? बिल्कुल नहीं, अभी दिखाता हूँ उसने क्या कहा था। लगता है आखिर में जीत मेरी ही हुई है। तुम्हारी जो हालत है उसमें फिलहाल तुम कोई भी खेल खेलने लायक नहीं बचे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो डाइटिंग जरूर करता। मोगली, छोटा, अब तुम्हें समझ आया कि क्यों तुम्हें हर तरह के खतरे से बचने के लिए हमेशा बल्लू की बात सुननी चाहिए? माफ करना बल्लू, छोटा अब सुनेगा बल्लू और उसके सबक को। कोई बात नहीं छोटा,
पर तुम्हें भी मुझे एक सबक सिखाना होगा, एक बड़े नाराज भालू से कैसे बचा जाए। जी प्यारे बच्चे, जल्दी ही आओगी बाहर। डैडी बस आते ही होंगे, वो तुम्हारे घोंसले को और भी सुंदर बनाने के लिए कुछ ढूंढने गए हैं। रंगू, हमारा अंडा। गुगू, मेरी प्यारी, मैं हूँ ना, मैं उसे ढूंढूंगा, उसे ढूंढूंगा सब जगह। एक, दो, तीन, हरा केला। रास्ते से हट जाओ। लाली, मैंने तुम्हें हिलते हुए देखा। रंगू मुझसे टकरा गया था। हट जाओ। तुम मना नहीं कर सकती लाली, इस बार तुम पक्का हिली थी। लेकिन तुम तो गिन भी नहीं रहे थे। रुक जाओ, तूफान हमारा अंडा उड़ा कर ले गया। बहुत ही बुरा हुआ, वो लुढ़क कर कहीं भी जा सकता है। यही अंत है। सोचो, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा अपने अंडे के अंदर हमारे बिना बिल्कुल अकेला सहम और घबराया हुआ, क्या होगा उसका। मोगली, हमारी मदद करो। बिल्कुल, अब घबराओ मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। मेरी तेज नाक और मोगली के शातिर दिमाग की मदद से हम उसे चुटकियों में ढूंढ लेंगे, है ना? क्या वहाँ कोई है? सॉरी। उम्मीद है हमारा बच्चा ज्यादा डरा हुआ नहीं होगा इस घने जंगल में। गोगू, गोगू, डैडी के पास वापस आओ। अरे हाँ, हवा, हमें हवा की दिशा में जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम हवा की दिशा में चलें, हमें मिल जाएगा गुगू। मुझे पता था तुम सबसे बेस्ट हो। ओह, मुझे घोंसला दिखाई दे रहा है। तबाकी तो यहाँ था, पर अंडे का कोई पता नहीं। अगर अंडा यहाँ नीचे गिरा होगा तो शायद तबाकी उसे ले गया होगा। तबाकी, वो सियार, अब क्या होगा? सांस लो रंगू, रुक जाओ, इतना काफी है। सांस लो डार्लिंग, तुम्हें सांस लेनी होगी। चलो तबाकी को ढूंढते हैं अभी। और अब तुम पहुँचोगे मेरे पेट में। बताना चाहोगे तुम किसके साथ खेल रहे हो तबाकी? कुछ नहीं। क्यों, कुछ भी तो नहीं मालिक, कुछ भी नहीं। मुझे बताओ तुम क्या छुपा रहे हो अभी और इसी वक्त। और बेहतर ताजा मांस। जाओ, मैंने कहा, मैंने तुम्हें बख्श दिया, तुम जा सकते हो। मैं खूंखार टाइगर हूँ। क्या चाहते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, मैं हूँ शेर खान, एक टाइगर। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। चलो अपना रास्ता नापो। पर अगर ऐसा है तो मैं सिखाऊंगा कैसे बनते हैं खूंखार।
एक टाइगर की तरह। ये बुरा नहीं था जूनियर, पर तुम्हें और गुस्सा दिखाना होगा, समझे? ऐसे। कहीं शेर खान हमारे बच्चे को खा तो नहीं गया होगा। तुम जाओ, हम यहीं छुपते हैं। ये तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। मैं इसे संभालती हूँ और इसे शांत रखती हूँ। अंडा फूट गया। इस तरह से तुम अपना फर साफ कर सकते हो। खूबसूरती तुम्हारे शिकार को पसंद आएगी। और अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि शिकार कैसे करते हैं। आप कितने स्ट्रॉंग हो डैडी। मालिक, मालिक। बेवकूफ सियार कहीं के, तुमने जूनियर का लेसन बर्बाद कर दिया। लेकिन मालिक। चुप। मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। आ जाओ जूनियर, कोई बात नहीं, हम दूसरा शिकार ढूंढ लेंगे। जूनियर, मालिक, मोगली आपकी गुफा में है और मैं, मुझे अभी भी भूख लगी है। मोगली, वो कौन है? ट्वीट ट्वीट। जिससे तुम्हें दूर रहना चाहिए। हम रेंगू और नारगू को ये खबर कैसे सुनाएंगे? शेर खान मुझे अपने आसपास भी नहीं देखना चाहता। उसे तो अब तुम्हारी भी जरूरत नहीं है मोगली। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? हम बर्बाद हो गए। तुम एक बच्चे को कैसे खा सकते हो? हे, गुस्सा मत करो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, शेर खान ने किया है। ओह नो, शेर खान गुगू को खा गया, वो बच्चा जो अंडे के अंदर था। उससे भी बुरा, उसे लगता है कि वो उसका बेटा है और उसने तय किया है कि वो उसे सब कुछ सिखाएगा और उसे अपने जैसा टाइगर बनाएगा। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलकर खुद देख लो ना। तुम बहुत जल्दी सीख गए जूनियर, बहुत खूब। चलो अब थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। मैं थकी नहीं। पर सोने से हमारी ताकत बढ़ती है, सोने से हम और भी निडर लड़ाकू बनते हैं। डैडी, मेरे प्यारे डैडी। मैंने कहा था ना, उस पंछी ने मेरी जगह ले ली है। क्या तुम्हें लगता है मोगली और लाली ने गुगू को ढूंढ लिया होगा? गुगू, हमारा प्यारा और छोटा बच्चा। छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, जल्दी ही आओगे बाहर। जूनियर को मुझे वापस दे दो। वो तुम्हारा जूनियर नहीं है। आओ। बहुत अच्छे जूनियर, शाबाश। पर तुम एक टाइगर नहीं हो, तुम एक पंछी हो। बहुत अच्छे, अब वक्त है तुम्हारे अगले लेसन का। जूनियर, इंसान के बच्चे को कैसे खाएं? छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, जल्दी ही आओगे बाहर। छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, जल्दी ही आओगे बाहर। आह, मेरा बच्चा, मेरा गुगू। समझ नहीं आता कि वो झिझक कैसे सकता है। चुप। डैडी, वो लोग आ गए। उड़ते हुए डैडी, उड़ती हुई मम्मी। बिल्कुल, वो चाहता है कि तुम तीनों उसके माँ बाप बनो। जूनियर, तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे, पर मैं कुछ बांटता नहीं। मैं शेर खान हूँ, एक खूंखार टाइगर जिसका दिल नहीं है। अब तुम्हें अपने पंछी माँ बाप मिल गए हैं, जाओ अपनी जिंदगी जियो।
शुक्रिया मेरे दोस्तों, हमारा परिवार फिर से एक हो गया तुम्हारी बदौलत। प्यारा नन्हा गुगू टाइगर की तरह गाता है। बाद में बहुत गर्मी हो जाएगी, मेरी बुढ़ी हड्डियाँ कभी गलती नहीं करती। ओह, तुम अब हाथियों की कब्र में जाने के लिए तैयार हो। मैं बुढ़ा हो गया हूँ। पर मेरे उस बदमाश भाई के जितना तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारा भाई? हाँ, वो तो कोई 200 साल बूढ़ा होगा। पर वो अभी भी अच्छी हालत में है। मैं जानता हूँ कि मुझे जल्दी चले जाना चाहिए था, पर जब याददाश्त काम करना बंद कर दे, वेल, अब मैं ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला। मैंने अभी बच्चों को नहीं बताया है। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं जा चुका हूँ। हेलो गजिनी, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। हाथी आज सुबह ही चला गया, वो अपने भाई से मिलने गया है। वो फिर से उसका जन्मदिन भूल गया। दुर्घटना से देर भली, और ये बिल्कुल सही वक्त पर हुआ है। मैं इस मौके का इस्तेमाल करना चाहती हूँ एक सरप्राइज देने के लिए। जरा सोचने दो, तुम अपने सियोनी पहुँचने का जश्न मनाना चाहती हो, है ना? हाथी शायद भूल चुका होगा, पर उस दिन उसने मुझे एक कमल का फूल दिया था। तो ये सब के लिए एक शानदार सरप्राइज होगा। मैं यही करना चाहती हूँ क्लासरूम में। तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा आइडिया है, इसे अपना ही घर समझो। और कौन जानता है, सिर्फ अप्पू और हीटा को। मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद हैं। रही बात बघीरा और मोगली की, मैं ध्यान रखूंगा कि वो यहाँ ना आए। संभल के, डार्जी से बड़ा चुगलीखोर और कोई नहीं। मेरे बेचारे बल्लू, तुम्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। तुमने सही कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं मोगली और बघीरा को भेज कर अपने लिए अजवाइन मंगा लेता हूँ। क्या उसने सुना होगा? उसका तो पता नहीं, लेकिन जंगल को मेरी इस बीमारी का पता चल गया होगा। नहीं, ये बहुत आसान है, मैं कुछ भी ढूंढ सकता हूँ। ठीक है मेरे होशियार पैंथर, अभी देखते हैं तुम कितने माहिर हो। अब बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ओह, बहुत ही आसान है। हिटा ने माशा के केले चुरा लिए हैं और क्लासरूम में छुप रही है। बहुत खूब। बल्लू, तुम ठीक तो हो? उतना भी ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत तेज जुकाम हो गया है। क्या तुम मेरे लिए जाकर अजवाइन के फूल ला सकते हो? टोकरी में बहुत सारे हैं, मैंने कल ही देखे थे। हाँ, वैसे सच कहूँ तो तुम्हें चश्मे की जरूरत है मोगली, ये पूरी तरह खाली है। बस करो, ये सही वक्त नहीं है। नहीं, तुम्हें मेरे लिए अजवाइन के फूल लाने ही होंगे। मुझे माफ करना, मैं जानता हूँ वो जगह बहुत दूर है, पर ये बीमारी फैल सकती है। तो क्या? मुझे बीमारी से बहुत डर लगता है। तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए टबाकी, अजवाइन के फूलों से तुम्हें भी राहत मिलेगी। आराम से, तुम खुद को बीमार कर लोगे। ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या तुम्हें नहीं पता? वेल, हाथी बलू, सच कह रही हूँ मैं, उसे कम से कम 100 सालों से जोरदार जुकाम है, पर ये बहुत पुराना है। मुझे यकीन नहीं हुआ, वो पहले तो ठीक लग रहा था, पर उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये बात मैं तुम्हें बता रही हूँ। बलू को शहद, अजवाइन और आराम की जरूरत है। मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे बहुत चिंता होती। एक बीमारी जो यूं ही कहीं से बिना किसी चेतावनी के हो जाए, सबको हो सकती है। मैं बता रही हूँ, ये बीमारी सिर्फ बूढ़ों को ही नहीं होती। बस अब बहुत हुआ, जाओ और कहीं और जाके चिक चिक करो, तुम सबको डरा रही हो। ठीक है, यहाँ कुछ बहुत बुरा हो रहा है और किसी को परवाह नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं जा रही हूँ। हाँ, ऐसा ही है, अब तुम जाओ। और करीब मत आना। और ये क्या रंग पोत रखा है? लगता है जंगल में कोई बीमारी फैल रही है। बलू बीमार है और हाथी भी, मैंने उसे जाते हुए देखा अपने आखिरी कदम लेते हुए हाथियों की कब्र की तरफ। बेचारी कचनी रो रही थी। ये सब क्या हो रहा है, जरा समझाओ मुझे। पहले
पहली बात तो ये कि ये सब कुछ सच है। बघीरा और मोगली सबके लिए अजवाइन के फूल लाने गए हैं। मुझे लगता है ये कोई महामारी है। और मैं कैसे मान लूं कि ये सब सच है? भरोसा नहीं है तो खुद जाकर देख लो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और अगर वो बुड्ढे सच में बीमार हैं, तो उनसे छुटकारा पाना बच्चों का खेल होगा। पता है किस तरफ? अगर हम जानते हाथी कहाँ है तो शेर खान से पहले वहाँ पहुँच जाते। आज हाथी नीली पहाड़ी की तरफ गया था, मैंने खुद देखा था। गजनी ने बलू को बताया तो पता चला बात बहुत सीरियस है। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम यकीन कर सकते हो हाथी वो भी कब्र में? पर कुछ तो गड़बड़ है, ये सही दिशा नहीं है। नीली पहाड़ी पर तो हाथी का भाई पाशा रहता है, वो जरूर उससे मिलने गया होगा। वो कांटों वाला शॉर्टकट, शेर खान वहाँ से नहीं आ सकता, वो बहुत मोटा है। शायद हम उससे पहले हाथी तक पहुँच सकते हैं। नहीं रुको, तुम्हें यहीं रहना होगा। अगर शेर खान ने अपना इरादा बदल लिया और वो हाथी की बजाय बलू पर हमला करने आ गया तो? और अगर बलू वाकई बीमार है तो मैं उसे कैसे रोक पाऊँगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं सबको क्या बताऊँगी? कुछ नहीं, तुम मेरे साथ आ रही हो। मैं नहीं चाहता कि तुम सारे जंगल को कुछ भी बताओ, और शायद मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन भी है। ऊपर देखो, सब कुछ बिगड़ गया है। जुकाम का आइडिया कैसा रहा? उन्होंने यकीन कर लिया? वो मेरी कहानी को सच समझ बैठे। हमें बहुत देर हो गई, मुझे पता था। ये सो रहा है हाथी। हाथी चलो उठो। मैं ठीक हूँ मोगली, मुझे सोने दो। तो शायद ये कोई महामारी नहीं है, पर मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक पल बलू ठीक था और अगले ही पल वो बीमार पड़ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, हमें शेर खान के बारे में भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें यकीन है वो यहीं आ रहा है? मैंने उसे अपनी आंखों से निकलते हुए देखा था। वो ये देखना चाहता था कि हाथी मरा या नहीं। मैं जानता हूँ शेर खान को कैसे भरोसा दिलाया जा सकता है कि ये सच है। अच्छा है ना? पर अगर तुम्हारा प्लान काम कर गया तो शेर खान हमारे दोस्तों की तरफ चला जाएगा। हाँ, और यही तो मेरा प्लान है। ये बगी के पास ले जाओ, सिर्फ वही इसे समझ सकता है। जल्दी। उप्स, वो देखो चुगलखोर। चिंता मत करो, हाथी मरा नहीं है। मोगली भी नहीं मरा। मैं बघीरा को ढूंढ रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? क्या वो खतरे में है? कहाँ पर? क्या तुम बीमार नहीं हो? वो तो बस नाटक कर रहा था, पर तुमने ऐसा क्यों किया? बघीरा! मैं सब कुछ बाद में समझाता हूँ, पर पहले हमें कहीं छुपना होगा। शेर खान प्लीज मेरी मदद करो। मैं यहाँ अकेले हाथी की तरह नहीं मरना चाहता, मुझे बलू के पास ले चलो। तुम जरूर मजाक कर रहे हो ताकि मुझे ये बीमारी लग जाए। रहा सवाल उस बुड्ढे बीमार भालू का, मैं उसकी बोटी बोटी कर डालूंगा। चैटर बॉक्स सही कह रही थी, मेरे सारे दुश्मन खत्म, जंगल से एक साथ गायब। अब यहाँ मेरा राज होगा। क्या यहाँ कोई है? वो सब कहाँ है ताकि मैं उन्हें ये खबर दे सकूं? आओ अपने नए मालिक का स्वागत करो। क्या यही तुम्हारा राज है? ये बीमारी से भरा हुआ है, सब मर चुके हैं। बदमाश, बदमाश! यहाँ भी का भूत है। तुम कौन हो जिसने इस राज्य में कदम रखने की हिम्मत की? ठीक है सब लोग, खतरा टल गया, शेर भाग गया है, तुम बाहर आ सकते हो। मुझे माफ करना मोगली, मैंने तुमसे ये राज छुपाया। हम तो बस हाथी को एक सरप्राइज देना चाहते थे।
मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम सब खतरे में पड़ जाओगे। तुम नहीं होती तो मैं सबको वक्त पर खतरे के बारे में नहीं होशियार कर पाता। पर एक मिनट, तुम नहीं होती तो ये सारी अफवाहें फैली ही नहीं होती। मैंने भी झूठ बोला था, दरअसल मैं पाशा से मिलने नहीं गया था तुम्हारे लिए। तुम भूले नहीं। शुरू करो अप्पू। मैं जीत गया। मेरी तरफ, मेरी तरफ। बहुत अच्छे मोगली। चलो हीटा, उसे फेंको। और जोर से फेंको। फेंको फेंको, पर इसमें बिल्कुल मजा नहीं है। मोगली और बगीना दोनों सेकंड प्लेस पर हैं, पर जीत हुई है ट्रिकी की। हे, तुम क्या कर रही हो? मैं बोर हो रही हूँ। मैं बेवकूफों की तरह बनानास नहीं फेंकना चाहती। तुम बहुत मोटी हो। उस पर ध्यान मत दो, वो बस इतरा रहा है क्योंकि वो पहला राउंड जीत गया। आ जाओ हमारे साथ खेलो, उसे फेंको। तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। अप्पू भी बहुत अच्छा फेंकता है, तुम्हें हम दोनों की जरूरत नहीं है। जरूरत है, ऐसे ज्यादा मजा आता है। वैसे भी तुम्हारे साथ खेलना हमें अच्छा लगता है ना बगीरा? हाँ, और हमें दो फेंकने वालों की जरूरत है। सिर्फ तुम्हारे जैसे अच्छे फेंकने वाले ही केले को ऊपर तक पहुँचा सकते हैं। अब चिढ़ना बंद करो, वो एक बंदर है, वो हमेशा बकवास ही करता है। मैं चिढ़ नहीं रही, पर मैं मोटी और भारी हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम मेरे जैसी हो। हम बड़े और ताकतवर है क्योंकि हम हाथी है। नहीं, हम ग्रे और मोटे है और हम भी नहीं सकते। मैं जमीन को देखते देखते अब थक चुकी हूँ। अब मैं आसमान देखना चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ, हल्का होना, जैसे कि वो। उड़ने के सपने मत देखो और बड़बड़ाना बंद करो, हमारे साथ आकर खेलो। मैं कभी नहीं देख पाऊंगी कि वहाँ पर क्या होता है बादलों में। तुम्हारी बारी बघीरा। 2 3 बहुत खूब बगी। Oh no! तुम कहाँ जा रही हो? खेलने? क्या मैं आ सकती हूँ? तुम उड़ना चाहती हो? तुम्हें मेरी मदद चाहिए? देखो ये आसान है। इतने बड़े कानों के साथ शायद तुम उड़ पाओ। उन्हें हिलाने की कोशिश करो। चलो शायद इससे काम बन जाए। मुझे बस अकेला छोड़ दो। जाओ कहीं जाकर उड़ो। कहाँ चली गई? पता नहीं, उस तरफ या फिर इस तरफ, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें देख रहा था। हमारे पेरेंट्स ने कहा था कि अलग मत होना। हीटा और मुझे साथ रहना था और मुझे उसका ध्यान रखना था। बहुत अच्छे, तुमने चिढ़ाकर उसका दिल दुखा दिया और अब हम नहीं खेल सकते। मैं बस मजाक कर रहा था, मुझे हीटा सच में पसंद है, भले ही वो थोड़ी सी मोटी है। चलो अप्पू, चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। चलो हम चलकर वहाँ ढूंढते हैं। और हम इस तरफ ढूंढते हैं। हे, अपने बड़े से पैर जरा संभाल के रखो, गवार कहेंगे। हे मोटू, वो मेरा बच्चा है जिसे तुमने बस कुचल ही दिया था। सॉरी, मैंने उसे देखा नहीं। खैर जाने दो अप्पू, तुम्हें अपने बच्चों पर ठीक से नजर रखनी चाहिए जकाला। ये मेरा इलाका है बगीरा, अगर तुम मुझे यहाँ दोबारा दिखाई दिए तो उस दिन मेन्यू में हाथ ही होगा। हाई बात समझ में? तुम मगरमच्छों का हमेशा स्वागत है। चलो अप्पू, चलकर हिटा को ढूंढते हैं। हीटा, हीटा। किसे ढूंढ रहे हो तुम? बलू, बगीरा? नहीं, हीटा को। तुमने उसे देखा है? हाँ बिल्कुल, वो गुस्से में दलदल की तरफ जा रही थी। मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। हीटा, हीटा छुपना बंद करो। हीटा, गजल कट्स, गजल कट्स।
ब्रिज तोड़ दिया। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने मेरे गजल कट्स की चटनी बना दी थी अपने बड़े बड़े गवार हाथी वाले पैरों से। वो कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने किसी की चटनी नहीं बनाई। मैंने तुम्हें चेताया था, चलो बच्चों ऊपर चल जाओ। नहीं, ये बहुत मोटी है और ताकतवर भी। यक। तुम्हें जो मिले वो खाओ, एलिफेंट्स के पैरों में विटामिन्स भरे होते हैं। क्या आपने उसके बड़े कान और रंग देखे और उसकी उसकी नाक? बकवास, ये तो कोई अजीब सा चूहा लगता है जिसकी पूंछ सामने हो। मुझे चूहे पसंद नहीं। मैंने किसी को नहीं पिचकाया। अच्छा तो क्या मैं सपना देख रहा था? मैं हाथी को देखते ही पहचान लेता हूँ। तुम बघेरा के साथ थी और तुमने गजल कट्स को पिचका दिया था। अप्पू, अप्पू, अप्पू! हटा। घबराओ मत हीटा, मैं मदद मांग कर लाती हूँ। हीटा, हीटा, हीटा! बघेरा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, शायद ठीक हूँ। हे, ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुम्हारा पीछा किया, उसके जितना ताकतवर बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे सिखाओगे? मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। क्या तुम ऊपर चढ़ सकते हो बघेरा? नहीं, मेरा पंजा मुड़ गया है। काटने के बारे में भूल कर भी मत सोचना। ऊपर चढ़ जाओ बघेरा। मेरा वजन काफी ज्यादा है, तुम मुझे उठाकर चल नहीं पाओगे। आजमा लो। अप्पू, हीटा! क्या तुम्हें हीटा मिली? तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लाई? ब्रिज टूट गया और चकाला। चकाला? हमें जल्दी चलना चाहिए। रोना धोना बंद करो और मुझे बताओ कि मेरा छुटकू कहाँ है। मुझे नहीं पता। जरा उस पेड़ को देखो वहाँ पर। अगर हमने उन पत्थरों को लुढ़का दिया तो हीटा के लिए पुल बन जाएगा। काश उस मगरमच्छ का ध्यान कहीं और हो। मैं उसे संभाल लूंगा और बच्चों को मैं। पकड़ लिया, अब मजाक उड़ा कर दिखाओ। आओ बच्चों, इसे खा लो। शानदार, मुझे उसकी पूंछ चाहिए और मुझे उसके कान चाहिए। उस मोटे हाथी को भूल जाओ। मेरा छोटू गजल गट्स मुझे लौटा दो और मैं इस बदमाश को छोड़ दूंगा। मोगली, इससे हट जाओ जल्दी। बहुत अच्छे, शानदार, बहुत अच्छे हीटा। शायद मूंछ हो सकती है। अप्पू, इसे बलू के पास लेकर जाओ। बेशक वो ले जा सकता है, वो बहुत ताकतवर है। वो मुझे भी अपनी तरह ताकतवर बनना सिखाएगा। मुझे पूरा यकीन है, पर देखो तुम्हारा परिवार इंतजार कर रहा है। एक हाथी के जैसे दूसरे हाथी के सिवाय कोई और नहीं दिख सकता। मुझे दो दो दिखाई दे रहे हैं। तुम कहाँ थे? उस हाथी के साथ, वहाँ उस बड़े वाले के साथ। मैंने उससे पूछा कि क्या वो मुझे अपनी तरह ताकतवर बना सकता है। वो बिल्कुल लाजवाब था। सिर्फ तुम ही उस बड़े पेड़ को इतनी आसानी से हिला सकती थी। शुक्रिया। वाव, तुम वाकई ताकतवर हो हीटा। कभी कभी मैं बकवास कर जाता हूँ, पर मैं सिर्फ मजाक करता हूँ। मुझे लगता है तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हारी तरह बनना चाहूँगा। मैं उड़
जल्दी 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 सफाई करो, क्योंकि सफाई करने से कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं होता। तुम दोनों भी ये लो, इस तरह देखना बंद करो और सफाई में जुट जाओ। हाय दोस्तों, ब्रेक लेकर थोड़े फल खाना चाहोगे? लो, एक केला आ रहा है। मुझे हरे केले बहुत पसंद है। शुक्रिया मोगली। तुम बहुत अच्छे हो मोगली। पता नहीं इन्हें मोगली में क्या दिखाई देता है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हाय मार्शा, ये लो, क्या तुम भी एक? ओ, नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया मोगली। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ हम सब काम कर रहे हैं? लगता है बंदरों को खेलना कूदना पसंद नहीं है। मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर पार्टी चल रही होगी। पार्टी टाइम, पार्टी टाइम, पार्टी टाइम, पार्टी टाइम, पार्टी टाइम। मशहूर होना बहुत ही आसान काम होता है। ए, मैं एक पार्टी क्यों नहीं रखती? मेरी अपनी पार्टी, ठीक यहाँ सारे जानवरों के लिए। मैं सपना देख रही हूँ या सच में माशा ने पार्टी कहा? हे सब जानवर सुनो, छोटे और बड़े, माशा बोल रही हूँ, मैं एक बड़ी पार्टी देने वाली हूँ। माशा, मेरा छोटू बीमार है। कौन सा छोटू? एक बड़ी पार्टी के बारे में क्या ख्याल है जिसमें गेम्स होंगे और मजे करेंगे? क्या मोगली वहाँ होगा? नहीं, मुझे और भी काम है। हे, मैं फ्री हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? क्या वहाँ नाश्ता फ्री है? मैं पार्टी दे रही हूँ, क्या कोई सुन रहा है? मैं पार्टी दे रही हूँ, वहाँ सबको बड़ा मजा आएगा। क्या मोगली आ रहा है? पूनिया, तुम तो मेरी पार्टी में आ रहे हो ना? क्या मोगली आ रहा है? क्या मोगली आ रहा है? क्या मोगली आ रहा है? क्या सबको उसी की परवाह है? मैं आ सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? बताओ क्या आ सकता हूँ? तुमने कहा था कि वहाँ नाश्ता भी होगा। अरे तुम परेशान दिख रही हो, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तुम इतने मशहूर क्यों हो मोगली? मैं एक बड़ी पार्टी देने वाली थी पर। एक पार्टी? वाओ, शानदार आइडिया है। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, तो इसलिए आज इतनी सफाई चल रही थी। पर अब पार्टी नहीं होगी, कोई आना नहीं चाहता। क्या मतलब है तुम्हारा? पार्टी की इनविटेशन को कौन मना करता है? एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। तुम सारी तैयारियां करो, बहुत काम करना होगा जो तुम अच्छे से कर सकती हो। well, वैसे तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं चीजों को जमाने में बड़ी माहिर हूँ। तो मैं जाकर इनविटेशंस देकर आता हूँ। तो फिर ठीक है, चलो जाओ और काम पर लग जाओ। हेलो, क्या अंदर कोई है? अपनी मूछे चमका लो, बंदर आज रात एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं। हाँ, मैं जरूर आऊंगा मोगली। ए, वहाँ पर आज रात माशा की पार्टी में अपनी पूंछ थिरकाना चाहोगे? मेरे पैर तो अभी से नाच रहे हैं। चलो भी, शर्माओ मत, आज रात एक पार्टी है, शेल से बाहर निकलो। पुरानी गुफा में मिलता हूँ। वो सब वहाँ जाने वाले हैं। वाओ, ये फूल तो बहुत सुंदर हैं। इतनी जल्दी लौट आए? जानती हो, पार्टी में हर कोई आने वाला है। क्या सब? सच में वीरा, रवि और पोनिया भी? हाँ, हर कोई। अच्छी खबर है ना? तुम्हें कोई मना कैसे कर सकता है? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ, तुम्हें पार्टी का इनविटेशन नहीं है। सही सुना इंसानी बच्चे, जानवरों की पार्टी में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम मजाक कर रही हो है ना? सबको बुलाने के लिए शुक्रिया, पर अब यहाँ से जाओ, हमें बहुत सारे काम करने हैं। ये तो गलत बात है। तुम माशा को तो जानते ही हो, उसके दिन अच्छे नहीं चल रहे, पर जंगल में और भी पार्टीज होंगी। मैं उसकी पार्टी में नहीं जाने वाला। जब मैं सबको बताऊंगा उसने क्या किया, कोई नहीं जाएगा। नहीं, तुम सब बर्बाद कर दोगे और फिर किसी को मजा नहीं आएगा। तुम जाओगे है ना बलू, वहाँ पर खाने के लिए बहुत कुछ होगा और तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे बगी। ठीक है,
वो ठीक हो जाएगा। उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। वहाँ बहुत सारे गेम्स और सजावट होने वाली है, ये एक बहुत ही मजेदार पार्टी होगी मालिक। बेवकूफ कहीं के, ज्यादा बड़बड़ की तो मैं तुम्हें बताऊंगा मजेदार किसे कहते हैं। एक जबरदस्त दावत आप जैसे राजा के लिए बिल्कुल सही मालिक। और वो सब वहाँ होंगे? वेल, सब सिवाय मोगली के, वो इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन बाकी सारे जानवर वहाँ होंगे। परफेक्ट। मुझे अभी से हड्डियों के चटकने की आवाज़ सुनाई दे रही है, याद दिलाना माशा को शुक्रिया कहना है। दाई तरफ चलो जल्दी। अरे शेर खान, वो तुम सब पर हमला करने की सोच रहा है, तुम्हें पार्टी कैंसिल करनी होगी। पार्टी कैंसिल करूं? और वो क्यों आ रहा है? क्या तुमने उसे बुलाया है? मजाक बहुत हुआ मोगली, तुम्हें बस जलन हो रही है, ये बहुत बुरी बात है। चलो अब जाओ यहाँ से, हमने तुम्हारी बातें बहुत सुन ली। ओ, समझ गया। मैं जानता हूँ बघेरा, मोगली के बिना बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। क्या बात है, क्या तुम उसे पहचानते हो? इतनी शानदार पार्टी किसने रखी है? मैंने रखी है, मैं माशा हूँ, आपका स्वागत है। मेरा नाम है माओ, उत्तरी मकाक्स का दूत। जरा अपनी सही पहचान तो बताओ। एक उत्तरी मकाक? क्या बात है, क्या बीट है, बहुत अच्छे। शेर खान, कितनी डरावनी, अब मेरा मतलब है कितने सम्मान की बात है। एक पिकनिक, कितना प्यारा आइडिया है। यहाँ खेलने के लिए बहुत सारे गेम्स भी हैं। वेल, देखो मैं बहुत भूखा हूँ, एक स्वादिष्ट डिश मिल जाए तो मजा आ जाएगा। आहा, तुम जरूर महान शेर खान होगे, तुम पूरे उत्तर में बहुत मशहूर हो, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ रही है। गेम शुरू की जाए, जीतने के लिए महान शेर खान के गले में माला फेंको। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। पता नहीं तुम्हारे बिना क्या होता। पार्टी बचाने के लिए शुक्रिया। अब क्या, क्या मोगली? ओह, मुझे बहुत खुशी हुई माशा। ये तो मोगली है, वो हमारा अनजाना मेहमान था। शाबाश, बहुत अच्छे माशा, क्या शानदार सरप्राइज था। सच में ये बहुत ही अच्छा सरप्राइज था। ओह माफ करना मोगली, शेर खान के बारे में मुझे बात सुननी चाहिए थी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे जलन हो रही थी, क्योंकि तुम बड़े ही मशहूर हो। आप जाने दो। पार्टी शुरू की जाए। फिर चुप गए, तुम्हें और थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
बचाओ, कोई है यहाँ? हे, कोई है? बचाओ, जल्दी करो, कोई बचाओ मुझे! बचाओ, कोई है? जल्दी करो! अरे नहीं, मैं गिरने वाली हूँ, थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा और आगे, और करीब आओ, मैंने कहा और करीब, कितने अजीब हो तुम छोटी छोटी टांगों के साथ, जल्दी करो! और करीब, ये इतना मुश्किल भी नहीं है, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे! पर मैं गिरने वाला हूँ! मेरा शहद, पीछे हट जाओ! पास आओ! तुम किसी काम के नहीं हो अजीब कांटों वाले, तुम बिल्कुल गवार हो, भागो यहाँ से! हे, नहीं, सुनो वापस आओ, अभी इसी वक्त यहाँ वापस आओ! आखिर हो क्या रहा है? वहाँ बूढ़ी खड़ूस भालू है, वो पहाड़ी से लटक रही है, मैंने उससे बूढ़ी भालू आज तक नहीं देखी, अब उसे अपने आप ही ऊपर आना होगा। सुनो, वापस आओ। देखो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ऐसे ही नीचे नहीं गिरने दे सकता, माना कि वो बहुत बड़ी मुसीबत है, पर वो हम में से ही एक है। बाद में मत कहना मैंने तुमसे कहा नहीं था। भालू कहाँ है, कहाँ गया? मुझे तो आज वो मूड में भी नहीं लग रहा था, पता नहीं आजकल वो हमेशा थका हुआ और उदास सा दिखाई देता है। उसे ढूंढ कर आता हूँ, फिर हम मछली पकड़ेंगे, उसमें कम थकान होती है और उसे मछली पकड़ना पसंद भी है। अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हें नदी पर ही मिलता हूँ। मेरा शहद, तुमने लगभग इसे गिरा ही दिया था, ये सही दिख रहा है, यम, क्या शानदार खुशबू है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम मेरे आज तक के सबसे अच्छे शहद के टुकड़े हो और मैंने तुम्हें बस खो ही दिया था, तुम गिर सकते थे वहाँ और मैं भी नीचे गिर जाती, बल्लू, बल्लू। तो तुम यहाँ हो, मछली पकड़ने चलोगे, हमें तुम्हारी जरूरत है, पूरे जंगल में ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं करता। पिछली बार तुमने बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी, वो इतनी बड़ी थी, तुम्हें याद है ना, इतनी बड़ी मछली मैंने कभी नहीं देखी थी, उसे खाने में भी बहुत मजा आया था। मैं बल्लू को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? तुम फिर से, क्या चाहिए तुम्हें? बल्लू, मैं उसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ, उसने मेरी जान बचाई थी ना, वो तुम्हारी तरह भागा नहीं, पर जाने दो, हम उस बारे में भूल जाते हैं, मेरे पास उसके लिए थोड़ा शहद है, एक छोटा सा तोहफा, क्योंकि वो अच्छा है, मददगार है और काफी हैंडसम भालू है, मैंने पहले कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। बिल्कुल वो है, मैंने उसे उस इंसान के बच्चे के साथ उधर जाते देखा था, तुम जानती हो बल्लू बहुत नरम दिल भालू है, पर सभी भालुओं की तरह वो उसे छुपा कर रखता है। वो इतनी जल्दी चला गया, वो नहीं चाहता था कि तुम देखो उसे तुम्हारी कितनी फिक्र है, वो दिल की बात छुपा कर रखता है। मैं भी बहुत नरम दिल हूँ, क्या तुम्हें लगता है? हाँ, उसे तुम पसंद हो, ये बात तो पक्की है। बताओ मेरे प्यारे टबाकी, तुम उस भालू को जानते हो ना? मेला या नेला? मेला, वो किसी बूढ़े ओरांगटन जैसी दिखती है, पर उसे लगता है कि वो बेकार है, ये सच है, पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शहद पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते मालिक, बेला उस मीठे चिपचिपे लिक्विड के लिए कुछ भी कर सकती है और वो उसे ढूंढने के लिए किसी भी ऐरे गहरे के साथ निकल सकती है। मैं तुम्हें कोई ऐरा गहरा लगता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और आप मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं मालिक, मैं आपकी हमेशा मदद करूँगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे टबाकी, चलो अब काम शुरू करते हैं। घबराओ मत बेला, मेरे पास तुम्हारे फायदे की चीज है। वो
क्या है? तुम्हें शहद पसंद है ना? मुझे एक ऐसी जगह मालूम है जहाँ बहुत ही स्वादिष्ट शहद है, जिसे पहले किसी ने भी चखा नहीं होगा। मुझे वो यूं ही मिल गया जब मैं मधुमक्खियों के करीब शिकार कर रहा था। ये उनका खास खजाना है जिसे वो अपने लिए बचा कर रखती है। और मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए तुम्हें? तुम उस बुढ़े भालू को जानती हो ना? वैसे तो हमें उसे बिल्लू भी बुलाना चाहिए। मैंने यहाँ एक शिकार को देखा और वो बुढ़ा भालू मेरे रास्ते में आ रहा है। तुम्हें बस ये करना होगा कि वो मेरे रास्ते में ना आए। पर तुम बल्लू के साथ क्या करना चाहते हो? क्योंकि हो सकता है वो बाद में अपना गुस्सा मुझ पर निकाले। वो बहुत ताकतवर भालू है। मैं उसे कुछ नहीं करने वाला। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो मेरे रास्ते में ना आए। तुम्हें वो शहद चाहिए कि नहीं, मर्जी तुम्हारी है, पर सोचने में ज्यादा वक्त बर्बाद मत करना। ठीक है, पर इससे कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए, समझ गए? जैसे ही मैं अपने शिकार को पकड़ लूंगा तो मैं बता दूंगा शहद कहाँ है। आप कितने बुद्धिमान हैं मालिक। जैसे ही उस इंसान के बच्चे से सबकी नजर हटेगी तुम उसे मेरे इलाके के करीब ले आना, समझे? मेरे प्यारे बलू, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम एक नए सिरे से शुरुआत करें। वैसे भी इस जंगल में हम दो ही भालू हैं और हमारी उम्र अब तो हो नहीं रही है ना। चलो दोस्त बन जाएं। मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफा है। मुझे एक जगह पता है जहाँ बहुत ही स्वादिष्ट शहद मिलता है, सबसे मीठा और सुनहरा, बहुत ही मुलायम, बेहद शानदार। और हमारी नई दोस्ती की निशानी के तौर पर मैं उसे तुम्हारी साथ बांटूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेला, पर मैं मोगली के साथ मछली पकड़ रहा हूँ। पर मुझे यकीन है कि तुम कुछ देर बल्लू के बिना काम चला लोगे। इंसानी बच्चे, मैं वादा करती हूँ उसे वापस ले आऊंगी जल्द ही। उसे कभी कभी एक दूसरे भालू के साथ भी वक्त बिताना चाहिए और अपनी उम्र के दोस्तों के साथ। जाओ बल्लू, ये तुम्हारे लिए कुछ नया होगा। बगी के साथ मैं रुकता हूँ। आसान नहीं है, है ना? मैंने बलू को बिला के साथ जाते देखा। ये थोड़ी सी चिंता की बात है ना? Well, नहीं, वो बस दोस्त बनाना चाहती है। लगता है वो बदल गई है और बलू इस वक्त उदास है। बेला के साथ उसे अच्छा लगेगा। भालू को कभी कभी दूसरे भालू के साथ वक्त बिताना चाहिए। तुम्हें पूरा भरोसा है उस पर? बेला अपने मतलब के लिए किसी से भी दोस्ती कर लेती है, जैसे कि शेर खान से भी। तुम्हें यकीन है वो बलू को किसी जाल में नहीं फंसा देगी? मैं तुम्हारी जगह होता तो उनके साथ जाता, इसमें हर्ज ही क्या है? मैं बगी के साथ जाता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। वो कहाँ जा रहे थे? बहुत दूर नहीं, मधुमक्खियों की चट्टानों की तरफ। अगर तुम नहीं होते और इकी नहीं होता तो मैं मर चुकी होती। इसलिए ये शहद, मधुमक्खियाँ, जंगल वगैरह, मेरे यहाँ पर कोई नहीं। ये जगह शेर खान के इलाके के काफी करीब है। चबाकी, जंगल में अकेली कोई दोस्त भी नहीं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर के अंदर? बलू, बगी, बचाओ! बाघ मुझे लगभग खा ही गया था। अब तुम्हारे इंसानी बच्चे का एक और रक्षक है बल्लू, मैं। मैंने बेवकूफी की, पर मैं तुम्हें वो शहद देना चाहती थी। अगर तुमने बहादुरी ना दिखाई होती तो मोगली शेर खान का खाना बन गया होता। और फिर मैं भी तो शर्मीली हूँ। इकी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया बल्लू। इसे गलत मत समझना, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, पर मुझे अपनी गुफा की शांति ज्यादा पसंद है। मेरी गुफा में मैंने कुछ पुराना शहद बचा के रखा है किसी खास मौके के लिए, जैसे कि एक नई दोस्ती की शुरुआत के लिए। चलो बलू मछली पकड़ने, तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकता। हाँ हाँ चलो, मैं भी अच्छी सी ताज़ा मछलियाँ खाना चाहता हूँ। हम तीनों एक शानदार टीम है। हाँ,
और मेरे पास एक शानदार आइडिया है जो हमारी टीम एक साथ कर सकती है।